पूर्वांचलियों को लेकर आप सांसद संजय सिंह के बयान के बाद यहां देख सकते हैं कि पूर्वांचल मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया है। यहां पर पुतला जलाया जा रहा है, संजय सिंह की तस्वीर लगी है उस पर। संजय सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जब मुंबई में जो शिवसैनिक थे वो पूर्वांचलियों को बिहारियों को खदेड़ रहे थे, तब कहा था NRC पर उन्होंने एक बयान दिया था, उसी का यहाँ पर जो है वो विरोध किया जा रहा है। पूर्वांचल मोर्चा के नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट में हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, क्या ये होश में आओ, होश में आओ, हाय 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 हाय, क्या है प्रोटेस्ट का मकसद? मकसद कुछ नहीं है। इस संजय सिंह जो बोले हैं कि अगर NRC लागू होता है आसाम में तो वहाँ से पूर्वांचलियों को बाहर किया जाएगा, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या पूर्वांचली बांग्लादेशी है, क्या पूर्वांचली रोहिंग्या मुसलमान है जो बाहर किया जाएगा। पूर्वांचली भारत का नागरिक है जिसको कोई भगा नहीं सकता। NRC जो अवैध तरीके से घुसपैठी रह रहे हैं उनके लिए है, नहीं कि पूर्वांचलियों के लिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं पूर्वांचलियों के मान सम्मान के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं, जहां दिखेंगे संजय सिंह उनका विरोध किया जाएगा। सिंह भी तो पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल के नाम पे कलंक है, पूर्वांचल के नाम पे धब्बा है, पूर्वांचल के नाम पे कलंक है, मां कलंक है। ये बिक गए हैं पूर्वांचल के नाम पे, केजरीवाल ने इनको खरीद लिया है। पूर्वांचलियों को गाली देना, पूर्वांचलियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, इनको जहां मिलेंगे पूर्वांचली इनका विरोध करेगा और इनको शर्म आएगा कि वो पूर्वांचली। हम लोगों को शर्म आता है कि संजय सिंह पूर्वांचली है। ये पीछे पुतले को जलाया जा रहा है, संजय सिंह का पुतला है और ये कह रहे हैं कि संजय सिंह पूर्वांचली है, लेकिन पूर्वांचली के नाम पे कलंक है। और हर जगह पूरी दिल्ली में जहां भी संजय सिंह मिलेंगे उसका पूर्वांचल मोर्चा के लोग विरोध करेंगे। संजय सिंह के निवास से मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।